व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑन द 23 राइट्स चैनल। एंड आज की शुरुआत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। आई एम हेडिंग आउट टू नोएडा टू पिक अप अ ब्रांड न्यू बाइक एंड वॉज होपिंग टू गो देयर ऑन माई ट्रायंफ टाइगर, पार्क माई टाइगर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस एंड देन गो आउट टू द शोरूम एंड पिक अप दैट स्पेसिफिक बाइक। इट्स अ बिग बाइक, अ ह्यूज बाइक। पावर थोड़ी सी कम है बट साइज़ बहुत बड़ा है उस बाइक का। बट एनीवेज, प्लान यही था अपने टाइगर पे जाने का, बट टाइगर को नीचे स्टार्ट करने की कोशिश करी। एक डेढ़ हफ्ता हुआ है लास्ट जब मैंने बाइक चलाई थी और टाइगर आज स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसी अजीब सी आवाज़ कर रही है, देखो। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू द टाइगर। लेट मी जस्ट अनलॉक इट एंड स्टैंड इज अप। सी, एवरीथिंग इज़ लाइटिंग अप प्रॉपरली। आई डोंट थिंक बैटरी रिलेटेड ऐसा कोई मेजर पंगा है। इग्निशन ऑन, फ्यूल पंप ऑन होने की आवाज़ आ रही है एंड आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ दिस मैन। कैसी आवाज़ है ये? ऐसा लग रहा है सेल्फ पूरा नहीं लग रहा, आधा लग रहा है। पता नहीं ये स्टार्टर मोटर का इशू है, बैटरी का इशू हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट गोवा राइड पे जाते समय जयपुर में मैंने अपनी बैटरी चेंज करवाई थी, विच वॉज अ ब्रांड न्यू बैटरी। सो आई थिंक इट माइट बी द ड्रेडेड स्टार्टर मोटर इशू। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, स्टार्टर मोटर का इशू हुआ तो लंबा पंगा पड़ेगा। बट एनीवेज, अब क्या करना पड़ेगा, कैब पे जाना पड़ेगा। कैब अभी बुक कराई है एंड नोएडा चलते हैं एंड होपफुली नई बाइक पिकअप करेंगे। तो बाइक पिकअप करने जाने के लिए ऑब्वियसली राइडिंग गियर पूरी पहनी है, सारा सामान अंदर रख लिया हमने। ये सारा हमारा राइडिंग गियर वाला सामान पड़ा है एंड वील हेड आउट एंड पिकअप द न्यू बाइक। हाँ जी, आपको कोड बता रहा हूँ मैं भैया, कोड। कितना टाइम दिखा रहा है? 49 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से अभी मैं शोरूम पे। बारिश का एकदम से ऐसा सीन हुआ पड़ा है कि पहाड़ों में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है चारों तरफ, तो कोई भी सीन बना रहा है तो बहुत ज़्यादा सोच के बनाना पड़ेगा उसे पहाड़ों में जाने वाला। भर भर के पानी भर गया ग्रेटर नोएडा की सड़कों में, जहाँ की रोड इतनी फ्लैट हैं उसके बाद भी। ये हो रहा है बाहर, देखो। अभी जो नई वाली बाइक उठाने वाले हैं उसमें भी यही करना पड़ेगा लगता आते हुए। सारी वाटर क्रॉसिंग्स आज के दिन में ही हो जानी है एडवेंचर बाइक पे। नीचे वाला मैंने रेन लाइनर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंबरसम हो जाता है पहनना। इतनी तेज़ बारिश है नहीं कि नीचे बहुत ज़्यादा भीग गया, नीचे सारा मैश है पैंट में, तो फुली बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा अगर गीला भी होता है तो। ये वाली वाटर क्रॉसिंग करेंगे अभी बाइक से आते हैं। सो कैब से बाहर निकल चुके हैं एंड वी आर एट द बेनेली शोरूम इन नोएडा। विल बी पिकिंग अप एन एडवेंचर टूरर, वही मुझे चलाना पसंद है। सो बेनेली की एडवेंचर टूरर सबको तो पता ही है, दैट बिग बीफी TRK 502, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू पिक अप। लेट्स डू दैट। TS6 एंड इसमें क्या क्या नया है ये बता दो हमें। जो पहला चेंज है वो मीटर में चेंज है। पहले नॉर्मल मीटर आता था, इसमें लाइट अप नहीं होता था आपका RPM। अब ये RPM पे लाइट अप होता है, मतलब RPM वाला सेक्शन में लाइट बैकलाइट हो जाता है। दूसरा, आपके बैकलाइट स्विचेस आ गए, पहले वैसे नहीं आते थे, पहले नॉर्मल स्विचेस आते थे, अब बैकलाइट है, इसमें लाइट चलती है। हाँ, ओके, ब्लू लाइट चलती हैं। दूसरा आपका ये दो एक्स्ट्रा स्विचेस आया है इस बार, एक फॉग लैम्प के लिए है, मतलब दोनों ब्लैंक स्विचेस हैं, दोनों क्या फॉग लैम्प यूज़ कर सकते हो या फिर कोई हीटेड ग्रिल या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ लगाते हो, एक्सेसरीज वगैरह के लिए एक्स्ट्रा स्विचेस मिल जाते हैं आपको। तीसरा आपका, चौथा आपका चेंज हुआ है मिरर। ये पहले शीशे छोटे आते थे, अब शीशे बड़े कर दिए गए हैं और प्लस पीछे TRK की बैजिंग भी है। और ये कार्बन फाइबर टाइप की फिनिश है ना, इस बार पहले थी ऐसी? पहले नहीं थी, पहले नॉर्मल थी, प्लेन आता था, छोटा आता था। दूसरा आपका नकल गार्ड देख सकते हो, ये पहले प्लास्टिक के आते थे, एल्युमिनियम के साथ आ गए। ये अच्छी चीज है। ब्लॉकबस्टर्स का जैसे मैंने अपनी टाइगर पे लगाया हुआ है, अच्छा, तो ये 8000 का आता है वाला एल्युमिनियम, और प्लास्टिक वाला जो विंड प्रोटेक्शन वाला आता है वो 2-3 हज़ार का, तो 11-12 हज़ार का खर्चा है। बट ये आपकी कंप्लीट इस बाइक में मिलता है ऑन रोड में। ये ग्रिप्स चेंज हुए हैं, पहले नॉर्मल के साथ आते थे, TRK बैजिंग के साथ ये ग्रिप्स आते हैं दोनों। दूसरा आपका हैंडल बार चेंज हो गया, पहले हैंडल बार में फिटमेंट्स नहीं दिखाता था, अब फिटमेंट्स दिखाता है कि कितना आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा। ये बार्स आ गए साइड में। ओके, ये जो डैशेस बने हुए हैं, हाँ, बार्स बने हुए हैं। प्लस आपका ये भी चेंज हो गया, शॉकर पहले सिल्वर कलर का आता था, अब ब्लैक आता है, पूरा ब्लैक फिनिश में आता है ये पूरा शॉकर। कलर चेंज है, सेम चीज़ है, बस कलर का डिफरेंस हो गया। आपका आगे का पूरा फेस लिफ्ट हो चुका है, पहले कलर्स आता था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, मतलब कि ग्रे कलर का आता था पहले, अब पूरा बॉडी पेंट के साथ आ गया है आपका फेंडर भी, आपका फेस भी, प्लस ये एक रेडियो आपका इंजन प्रोटेक्टर आ गया है। अच्छा, ये पार्ट, हाँ, ये एक इंजन प्रोटेक्टर, ये नया ऐड हुआ है आपका। ये भी चेंज हुआ है टॉप रैक का फिटमेंट। ओके,
पहले ये लोहे का आता था, नॉर्मल सा दिखता था, अजीब सा। अच्छा। अब पूरा एल्युमिनियम कास्टिंग के साथ आ गया, पहले अब पूरे एल्युमिनियम कास्ट के साथ आ गए। So the TRK 502 is ready for us, and let's head out and ride this thing. Looks like a beefy machine. As I said in my Instagram story, this is going to be a big, huge machine. Unfortunately, it doesn't kind of back that up with the power figures. Just 47 bhp of power, which is kind of in the range what the Interceptor or the Duke 390 would offer. For the bulk that it carries, considerably less power. But it's a tourer, a proper tourer, not a compromise. So I believe this thing is gonna be fun. Oh, first things first, riding a Benelli, you can expect one damn thing for sure each and every time with each and every motorcycle that they bring out. The exhaust note, the rumble of the twin engine is pretty similar to what you would get in an inline 4. Where the hell is the gear indicator? Yes, not the most crispiest of gear shifts. I was struggling in neutral in between the first and the second gear. The handlebars are much more narrower than what I'm used to on my Tiger 800. So kind of feels a little cramped. But I think it's more about getting used to this position. Wide handlebars actually really help a lot in terms of comfort and maneuvering the bike around. I'm not sure if you guys can hear this exhaust sound. So guys, since we have this bike now for a good 3-4 days, I would want to answer all the questions that you have regarding the TRK 502. This is the 2021 model, the BS6 model. You just heard about the changes that are there in this machine. From a mechanical standpoint, nothing much has changed. From a cosmetic standpoint and a comfort standpoint, a lot of things have changed. I would like to answer all the questions that you have regarding this machine. This comes in at almost 5.5 lakhs on road in Delhi, and the segment that it competes in is full of a lot of different types of motorcycles. You know, you have singles, you have twins, and it is even competing with a category which also has a twin cylinder engine but is priced like 2 lakhs and in some cases even 3.5 lakhs more than it. So this bike has to kind of face that competition, and it sits right in the middle offering a lot of stuff that prospective buyers would like. And I'm pretty sure anyone who is wanting to buy an Interceptor 650 or a ADV 390 for once considers this bike just because of the big bike appeal that it has. Abhi jara highway pe isko khol ke dekhte hain kaisi lagti hai. Although I've got this new machine that I should enjoy for the next 4-5 days, but mere dimag mein, as you guys know, ek tension create ho chuki hai. Tiger apni on nahi hui aaj. And seriously, agar aapko bike chalani ho na chalani ho, but aapki garage mein agar jo bike aapki khadi hai agar wo kharab ho और पता है कि उसमें कुछ इशू है, तो दिमाग में ना बैक एंड में वही चलता रहता है और वही हो रहा है इस समय. वो ठीक हो जाए तो अलग ही लेवल का मज़ा आ जाता है. बंदा सेटिस्फाइड रहता है कि अपनी चीज़ सही है. उसका भी फिगर आउट करना पड़ेगा तरीका. आई एक्चुअली हैड पुट दिस इशू ऑन द टाइगर ऑल इंडिया ग्रुप दैट आई एम पार्ट ऑफ. सस्ते में निपट जाऊँ तो बढ़िया है यार, नहीं तो फालतू का एक लंबा खर्चा पड़ सकता है. One thing that I'm really enjoying is the seat comfort. बहुत ही कुशनी सी सीट है, मज़ेदार. टाइगर की सीट में ना, एटलीस्ट जो 800 की सीट है उसमें ना हल्का सा फील होता है कि यू कैन काइंड ऑफ सेंस द स्प्रिंग्स इन द सीट. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ?
इसमें वो भी नहीं पता लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है किसी सोफे की सीट पे बैठे हैं. नॉट श्योर हाउ कंफर्टेबल विल दिस सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट कुशी सीट बी ऑन फुल राइड डेज, लॉन्ग राइड डेज, क्योंकि टाइगर को तो अपने हम लोगों ने अच्छे से टेस्ट आउट किया हुआ है. मैंने काफ़ी लंबी लंबी चलाई है यू नो ऑन अ डेली बेसिस. बट ये चीज़ें ना यार, सीट कंफर्ट, इनिशियली जो सीट अच्छी लगती है उसका एक्चुअल जो फीडबैक होता है आपको तब पता लगता है व्हेन यू हैव डन अ लॉन्ग राइड एंड रिडन ऑल डे लॉन्ग. ऊपर से जो सोफ़ा सॉफ्ट दिखता है ज़रूरी नहीं है आपकी बैक और बट के लिए सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल हो लॉन्ग राइड डेज पे. आई थिंक इसका टैंक काफ़ी बड़ा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20 लीटर तो कम से कम है, बट आई जस्ट वेरीफाई दिस एंड मे बी पुट इट हेयर. 70-80 की स्पीड पे के ऊपर जा रहा हूँ ना तब मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का, एक अलग से सर्ज फील हो रहा है टॉर्क का. उससे नीचे इट्स लाइक वेरी वेरी काइंड ऑफ डोसाइल इफ आई कैन कॉल इट, बड़ा आराम आराम से पिकअप लेती है विच इज़ काइंड ऑफ गुड फॉर सिटी राइडिंग. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपको जर्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर आपको सडन एक्सेलरेशन चाहिए एंड इफ यू वॉन्ट दैट एग्रेसिव नेचर देन यू माइट हैव टू थिंक. ये मैंने भगाई फर्स्ट टाइम 100 टच किया. अट जाओ भाई, ओए लेफ्ट का हेको हो रहा है, खींच दो इसे, खींच दो. ऑलमोस्ट टेस्ट 130 एंड आई वुड से इट वाज इजी, नो हैसल एट ऑल. थोड़ी सी वाइब्रेशंस हैं यार हैंडल बार में, बट नथिंग विच इज काइंड ऑफ अ न्यूसेंस. पेट्रोल भरवा लेते हैं, नहीं तो पेनल्टी पहले दिन ही धक्के लगानी पड़ जानी है. खींच दो फिर से, ये जो एग्जॉस्ट साउंड है ना यार अलग ही टाइप का है कुछ. इसका अलग फन है, बट अब मेरा हाथ सेट हुआ है इस बाइक पे. मैंने कम से कम 15 किलोमीटर चलाई है अभी, 15-16 किलोमीटर, एंड आफ्टर दो 15-16 किलोमीटर आई एम फाइंडिंग दिस मच मोर एंजॉयबल. हम इधर जा रहे हैं अपनी जो मार्केट है प्यारे से हमारे ग्रेटर नोएडा में, विच इज़ कॉल्ड जगत फार्म. एंड यहाँ से होपफुली मुझे एक मेमोरी कार्ड रीडर मिल जाए. एक मैंने पहले लिया था थोड़े दिन पहले, 80-90 रुपए का था. सो उसकी क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं थी, बकवास लगा मुझे. इनफैक्ट जो उसका USB पोर्शन जो इंसर्ट होता है ना लैपटॉप में, वो उसके अंदर ही फंस गया. इससे बुरी क्या क्वालिटी हो सकती है. वो 80-90 रुपए का था और दुकानदार कह रहा था ठीक होगा. मैंने भी सोचा एक बार सस्ता भी ट्राई कर लेते हैं भाई, बट अब ढंग का लेना पड़ेगा. अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का मिल जाए, ट्रांसेंड और सैंडिस किसका भी आ जाए, आई विल गिव इट अ शॉट यार. क्योंकि मेमोरी कार्ड ऑब्वियसली आप लोगों को पता है मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा. लो स्पीड पे क्रॉलिंग जो होती है ना बाइक की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. उधर अगर बाइक बार बार झटके मार के बंद हो तो यू काइंड ऑफ लूज आउट ऑन द फन ऑफ द मोटरसाइकिल एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स इरीटेटिंग एज वेल. सो इसलिए दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई काइंड ऑफ जज इन अ बाइक. चलो इसी बहाने आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट सॉर्ट ऑफ हीट डिसिपेशन दिस इंजन हैज़. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक में बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि लास्ट जो बेनेलीज में इश्यूज होता था वो हीट डिसिपेशन का काफ़ी ज़्यादा होता था प्रीवियस जनरेशन की. मुझे अच्छी तरह याद है 600 GT जब मैं चलाता था तो ऐसा लगता था भाई साहब ये तो फट ही जाएगी गर्मी में. अभी फ़िलहाल मौसम अच्छा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट ओवरऑल ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेशन हो नहीं रहा. और मोर ओवर मैंने पूरी गियर पहनी हुई है, फुल राइडिंग बूट्स पहने. अगर आप नीचे देखो, अगर आपको दिखता है तो मुझे पता नहीं है. एंड प्रॉपर राइडिंग पैंट पहनी हुई है, तो दैट इन इट सेल्फ हेल्प्स यू कीप इंसुलेटेड फ्रॉम द हीट. लोग साइड दे रहे हैं,
इतना साइज है ना इस बाइक का, ऐसा लगता है कि साला 1200-1300 सीसी का इंजन होगा। लिटरली जीएस का साइज ऐसा लगता है आगे से देखो तो, बट पार उससे 1/3, 45-47 bhp इन दिस ह्यूज अ बाइक इज काइंड ऑफ अ बमर, बट देन यू नीड टू थिंक अबाउट द ऑडियंस दैट इज गोइंग टू बाय दिस बाइक। उसके हिसाब से ठीक ठाक है, प्राइस भी देखो आप। पेट्रोल भरवा लेते हैं थोड़ा सा हम, 100 रुपये का प्यारा सा पेट्रोल। अरे मोदी जी क्या करे जा रहे हो हमारे साथ, इतना महंगा पेट्रोल कर करके ऐसी की तैसी बचा दी है। भक्त और नो भक्त यार, पेट्रोल महंगा कोई नहीं भरवाना चाहता, सो नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हेयर एट ऑल, बस ये कह रहा हूँ यार कि पेट्रोल बहुत महंगा है। बाइक चलाते समय ना दिल नहीं करता भरवाने का। भैया 1000-1000 रुपये का सोना भर दो, सोना ही हो गया अब तो हमारे लिए, 10 लीटर भी नहीं आना अब तो। हेयर वी गो ऑन द 6th gear एंड ट्राई टू जस्ट रैब इट आउट एंड वी हिट 137। एक सेकेंड में टच हो गया था, बढ़िया तरीके से। सो वी आर ऑलमोस्ट होम गाइस, आई होप यू काइंड ऑफ एंजॉयड दिस शॉर्ट राइड ऑन द TRK 502। एंड अभी इसके ऊपर डिटेल रिव्यू बनाऊंगा मैं एक, क्योंकि अभी मेरे पास ये बाइक 3-4 दिन के लिए है, तो एज आई सेड आई ट्राई टू डू अ कंपैरिजन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस टू वीडियोस कमिंग अप गाइस, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल 23 राइड्स, स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आई हैव द सेम इंस्टाग्राम नेम एज वेल 23 राइड्स, सो वहाँ पर भी कनेक्टेड रहो, वहाँ पर भी रील्स एंड फोटोज़ आती रहती हैं, सो यू विल गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।